मिट दीवानों की टोली और निजियान के लिए और हम खून की खेले होली हिंदुस्तान के लिए। फांसी के फंदे पर लटकाने की सारी तैयारियां हो गई, देश में किसी को पता नहीं था कि भगत सिंह को फांसी दी जाएगी, लेकिन जिस समय 23 वर्ष के नौ युवक, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, लोग फेसबुक पे बैठ के अपना स्टेटस स्टोरीज डालते रहते हैं, जब बात आगे लड़ने की आती है तो मुझे लगता है कि 50% से भी कम लोग होंगे, लेकिन भगत सिंह जैसे लोगों ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ेंगे अपने हक के लिए, क्यों हो ये भारत देश हमारा हमको प्राणों से प्यारा, ये भारत देश हमारा हमको प्राणों से प्यारा, हो ना पाप का राज तुम्हारा, हो ना पाप का राज तुम्हारा। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको ट्रिप पे लेके जाते हैं टीचर्स, कई लोग जाएंगे जू में लेके जाएंगे, लेकिन किसी ने कहा कि इस भारत देश के अंदर एक ऐसा वीर पुरुष मतवाला था, अरे इस भारत देश के अंदर एक वीर पुरुष मतवाला था, और एक बार दिखला दो भगत सिंह का वो फांसी का फंदा जिसने उसने अपनी गर्दन पर डाला था, जो अपनी गर्दन पर डाला था। आजकल क्या जाता है, 23rd ईयर का बंदा क्या चाहता है, मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो, मैं सेटल हो जाऊं। अगर भगत सिंह भी यही चाहते कि 23 वर्ष की उम्र में मैं शादी कर लूं, घर बसा लूं, तो हम आजादी के लिए भीख मांग रहे होते, यहाँ बैठ के देशभक्ति गीत नहीं सुन रहे होते। कैसे भूल जाए भला उन लोगों को, अपने अपने ऐशो आराम के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, उन देश दीवानों को यार कैसे भूल सकते हैं हम। सुनिएगा दूसरी बात, मैं कवि ने कह लिखी में टकरा गए, हम फूट में गलती खा गए और आपस में टकरा गए,
लोग गद्दारी ना करें। हम गीदड़ मौका पा गए, वो गीदड़ मौका पा गए, हम बबर शेर अब जाके अपनी शान के लिए हम कूद के खेले होली हिंदुस्तान के लिए। करते थे जिस नारे को सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे और हो जाते हैं। कौन सा नारा देते थे भगत सिंह? और कहते थे इंकलाब जिंदाबाद। आज जब शहीदी दिवस आता है तो सारे देश के लोग शहीदी दिवस के दिन भगत सिंह की फोटो टैग करेंगे, मेंशन करेंगे एक दूसरे को। बाकी दिन देशभक्ति कहां चली जाती है भाई? बाकी दिन भी तो देशभक्ति जागनी चाहिए। अंतिम लाइनों में भगत सिंह यूं कहने लगे, या तो मरेंगे या देश को आजाद करेंगे, थर्ड ऑप्शन नहीं है। तीसरी अंतिम लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। भारत माता दुख और सयाना जाता, हमारी कैद में भारत